हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि वर्क एट हाइट के वक्त आपको कौन से हजार का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्क एट हाइट होता क्या है। तो वर्क एट हाइट यानी कि ऊंचाई पर काम करना। अब ये ऊंचाई पर काम करना यानी कि ऐसी ऊंचाई पर काम करना कि जहां पर जो पर्संस है या फिर जो मटेरियल है वो गिरने का खतरा है। अब वो जो पर्संस है वो अगर मान लो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो ये होता है कि उसकी वजह से उस पर्संस को पर्सनल इंजुरी हो जाती है, तो वो एक्टिविटी वर्क एट हाइट में काउंट हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क एट एक्टिविटी यानी कि होता क्या है। वर्क एट एक्टिविटी यानी कि ऐसा काम कि जहाँ पर जो है कि पर्संस जो है वो गिरने का खतरा होता है, वो एक रिस्क होती है और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो पर्सनल इंजुरी होती है, तो उसे वर्क एट हाइट कहते हैं। तो वर्क एट हाइट का एग्जांपल है स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी। आप जब भी स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी का काम करते हो और उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर से ऊंची हो जाती है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है और उसके लिए आपको बाकायदा परमिट की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आपको उसका जो TRA होना चाहिए, TRA यानी कि टास्क रिस्क असेसमेंट, कई जगह पर उसको हीरा भी बुलाते हैं या फिर जैसे भी बुलाते हैं। और फिर उसके साथ में आपको वो एक्टिविटी का वर्क मेथड स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि उसके रिलेवेंट क्या हजार्ड्स हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है कि फॉलिंग फ्रॉम हाइट, यानी कि वो जो ऊंचाई है उससे पर्सन गिरने का खतरा है, तो फॉलिंग ऑफ हाइट जो है वो एक हजार्ड है। उसके बाद है फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, यानी कि वो जो ऊंचाई है उस ऊंचाई से कोई भी मटेरियल हो या फिर जो इक्विपमेंट है वो गिरने का खतरा है। फिर उसके बाद है पुअरली मेंटेन एक्सेस, यानी कि ऊंचाई के लिए जो आपने एक्सेस बनाया है उस एक्सेस को अगर मान लो आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ जाती है वैसे वैसे उसका जो रिस्क लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है रूप्स, यानी कि जो भी ऊंचाई का जो रूप है वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो भी मटेरियल का इस्तेमाल वो वर्क एट हाइट में हो रहा है उस मटेरियल में अगर मान लो कोई भी डिटोरिएशन अगर आ जाता है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है अनप्रोटेक्टेड एजेस, यानी कि मान लो कि स्कैफोल्डिंग आपने बना दी और बनाने के बाद जो रेलिंग्स होती है वो वहाँ पर मिसिंग है, यानी कि मिड रेल हो या फिर टॉप रेल हो, तो वो क्या हो गया, वो अनप्रोटेक्टेड एजेस हो गया, तो उससे जो है वो मटेरियल भी गिरने का खतरा है और पर्सन भी गिरने का खतरा है, तो अनप्रोटेक्टेड एजेस यानी कि ये एक हजार्ड है। फिर उसके बाद है वेदर कंडीशन, यानी कि जब भी आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो और वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे कि मान लो कि बारिश आ गई या फिर हेवी विंड स्पीड है, तो वो भी जो है वो एक हजार्ड है। उसके बाद है कि जब भी आप वर्क एट हाइट पे काम करते हो तो वहाँ पर आपको अनवांटेड मटेरियल नहीं रखना है, यानी कि लूज मटेरियल नहीं रखना है, तो वो अगर मान लो लूज मटेरियल आप उसके ऊपर रखते हो तो वो नीचे गिरने का खतरा है। तो चलिए अब देखते हैं कि वर्क एट हाइट के वक्त आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऊंचाई का काम करना है तो उसके लिए आपको फुल बॉडी हार्नेस पहनना है और उस फुल बॉडी हार्नेस को डबल लैनार्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद है कि जब भी आप ऊंचाई पर उस फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको 100% टाई अप भी करना है और वो मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल और वो जो गार्ड रेल है वो कम्प्लीट वहाँ पर मौजूद है। फिर उसके बाद है वर्क प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जिस वर्क प्लेटफॉर्म पर आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो तो वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो बाकायदा इंस्पेक्टेड है, अच्छी कंडीशन में है और उसको बाकायदा टैग प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद जब भी आप ऊंचाई पर काम कर रहे हो और आपके पास जो भी मटेरियल है यानी कि जो भी टूल्स है उसका आपको इस्तेमाल करना है तो वो टूल्स को आपको लैनर लगानी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई स्पैनर का इस्तेमाल करते हो किसी क्लैंप को टाइट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए, तो वो जो स्पैनर है वो ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो वो एक टूल हो गया, वो टूल को आपको बाकायदा लैनर लगानी है कि इनकेस अगर आपके हाथ से अगर वो छूट गया तो वो नीचे ना गिरे और वहाँ पर ही अरेस्ट हो जाए। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो वहाँ पर अनवांटेड मटेरियल आपको स्टोर करके नहीं रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि वर्क एट एक्टिविटी होता क्या है, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।